देखो बेटा, 5.2.3 की एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, वही चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। 3x = 2x +18 सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए x जिस संख्या के साथ है दोनों को एक साइड करो। इधर इसके आगे कोई साइन दिखाई नहीं देता तो इसको आप प्लस मानेंगे। इधर लेके आएंगे -2x = 18। 3x - 2x = 18। तो हमारी x की वैल्यू है 18। सवाल वाला कहता है चेक करो, CHECK, चेक। x की जगह x की वैल्यू रखेंगे। प्लीज द वैल्यू ऑफ x = 18। तो x की जगह 18 लिखेंगे। 3 और x के बीच में आपको दिखाई देता कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 18 = 2 × 18 + 18। 18 × 3 = 54। 36 + 18, 54 = 54। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हम देखते हैं कि दोनों बराबर हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, -3 = 3t - 5 सोल्व करो। जिसके साथ टी लगी हुई है वो संख्या एक साइड करो। 5t - 3t - क्यों हो गया? क्योंकि इसके आगे यहाँ साइन नहीं है। स्टार्टिंग में संख्या के आगे साइन नहीं होता, प्लस मानी जाती है। तो इधर आके -= इसके आगे साइन है -5, इसको उधर लेके जाओगे +3, इधर माइनस था उधर जाके प्लस। तो हम यहाँ देखते हैं 5t - 3t = 2t - की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है। जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस -2, तो t = -2। ये 2 इधर लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई दोनों के बीच डिवाइड। तो प्लस माइनस का जब डिवाइड होगा साइन डिफरेंट है, तो डिवाइड करते समय अगर अलग अलग साइन है तो हमेशा आंसर माइनस प्राप्त होगा, -1। 2 = 2। अब उसी तरह चेक करेंगे, CHECK, चेक। प्लेस वैल्यू t = -1। तो t की जगह -1 लिखेंगे। 5 × -1 - 3 = 3 - 1, 3 × -1 =
माइनस फाइव। तो हम देखते हैं पहले मल्टीप्लाई होती है माइनस फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट, दोनों माइनस है मिल जाएंगे माइनस एट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, हमारे पास इक्वेशन है 5x+9 5x+9 इज इक्वल टू 5+3x इज इक्वल टू 5+3x। उसी तरह x वाली संख्या एक साइड 5x-x इज इक्वल टू 5-9। तो हम देखते हैं 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/4 -1। उसी तरह वैल्यू पुट करके आगे आप सॉल्व करेंगे। अब चेक करना, आपको पहले दो क्वेश्चन में सिखा दिया क्वेश्चन, आगे चेक आप खुद करेंगे वैल्यू रख के। क्वेश्चन नंबर 4 है 4z+3 इज इक्वल टू 6+2z 6+2z 4z-2z 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 इज इक्वल टू 6-3। तो यहाँ हम देखते हैं 2z इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 3/2 उसी तरह चेक करेंगे, चेक प्लेस द वैल्यू वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3/2 तो 4 × 3/2 + 3 इज इक्वल टू 6+2 × 3/2 2 से ये पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि पहले प्लस नहीं कर सकते। 2 × 4 = 6+3 इज इक्वल टू 6+3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 2x-1 is equal to 14-x x वाली उसी तरह 2x-minus की जगह प्लस, तो उधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 14+1। तो हमें 3x = 15 x = 15/3 तो वी गेट 5। चेक खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 8x + 4 is equal to
थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस सेवन। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो नंबर है कोष्टक में दिया गया है, थ्री को बाहर रखा गया है, थ्री और कोष्टक के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई समझेंगे। पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो थ्री से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कोष्टक के अंदर हैं, बाहर वाली को नहीं करेंगे। एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन एक्स प्लस थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, प्लस सेवन, प्लस सेवन। तो अब उसी तरह की संख्या आपकी बन गई है, एट एक्स माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन माइनस फोर। तो माइनस का एक्स, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो हमें प्राप्त हुआ टेन माइनस फोर सिक्स। लेकिन हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है, तो इस एक्स माइनस को कॉमन करके दोनों को माइनस से गुणा कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एक्स इज इक्वल टू यहाँ थ्री नहीं था, केवल एक्स था, सॉरी। तो थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री एक्स, यहाँ भी हमारे पास थ्री आएगा फिर, और ये फाइव एक्स, फाइव एक्स। थ्री प्लस सेवन संख्या गलत लिखी हुई है, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, अगर ये भी माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस सेवन जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन फाइव, इट मीन जीरो, इट मीन जीरो। करेक्शन, सात का क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस टेन। तो उसी तरह कोष्टक में जो संख्या है और उसके बाहर जो संख्या साइन नहीं है, साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन फाइव प्लस फोर अपॉन फाइव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट। अब फाइव को खत्म करने के लिए एलसीएम लेके खत्म करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई, फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर्टी। एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है अलग अलग तीनों को, तो एक्स फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी, एक्स इज इक्वल टू फोर्टी। चेक अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर
8 x upon 3 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. तो यहाँ हम देखते हैं 3, 1, 15 और 1 ये डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए एलसीएम लेते हैं. 3 और 15 का एलसीएम 15. 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 5 जा 15 5, 2 जा 10x प्लस 15, 1 जा 15 इज इक्वल टू 7x प्लस इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45. 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 45 माइनस 15. 3x इज इक्वल टू 30. x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3. 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10. चेक अपने आप कर लेना. y + 5/3 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5. उसी तरह एलसीएम लेके 3 एलसीएम 3 से सबको मल्टीप्लाई 6y + 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 3y. 3 एलसीएम 3 से सबको मल्टीप्लाई किया. वाई की संख्या एक साइड 6y माइनस की जगह प्लस 3y क्योंकि इसके इक्वल के ऊपर से अगर लाओगे साइन चेंज होगा. 26 माइनस 5 तो हम यहाँ देखते हैं 9y इज इक्वल टू 21. y इज इक्वल टू 21/9 7/3 3 से डिवाइड होते हैं दोनों. चेक खुद करना है. इज इक्वल टू 5m इज -8/5. डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए तरीका बताया एलसीएम से मल्टीप्लाई करो सबको. एलसीएम 5 15m 25m -8 25 को इधर लेके आएंगे 15m -25m इज इक्वल टू -8 तो -10m अपो इज इक्वल टू -8 m इज इक्वल टू -8/-10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी. 4/5 2 से दो डिवाइड करते हैं 4/5. चेक अपने आप करें. तो ये एक्सरसाइज आज की कंप्लीट है. 10 क्वेश्चंस फेयर 40 में कर लेना भाई.